गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम डिफरेंट रिएजेंट्स एंड सबस्ट्रेट. एग्जांपल फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल्स. फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स. प्राइमरी अल्कोहल्स oxidize in the presence of oxidation reagents. Primary alcohol R CH2 OH in the presence of alkaline KMnO4. इसमें देखिए जो strong oxidizing agent है जैसे KMnO4 in alkaline mediums, KMnO4 neutral medium KMnO4. उसके बाद यहाँ पे अल्केलाइन मीडियम KMnO4 एसिडिक KMnO4 इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अल्केलाइन में जितने भी अल्केलाइन है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और स्लाइडली. और यहाँ पे जब न्यूट्रल मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्टिल वाटर उसके प्रेजेंट में सबके सब नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. जैसे अगर टू मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स इसमें फाइव नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. फाइव नेसेंट ऑक्सीजन अल्केलाइन में इसमें से वन इसमें वन और इसमें अगर टू मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसमें से इस तरह से मिलेंगे. और इसके भी टू मॉलिक्यूल्स है वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से थ्री नेसेंट ऑक्सीजन उत्पन्न होता है. ये नेसेंट ऑक्सीजन जहाँ पे सी एच बॉन्ड है जैसे अल्कोहल भी इस तरह से हम अगर ले रहे हैं दिस इज ओ एच और यहाँ पे सी एच थ्री जिसमें सी एच बॉन्ड कितना है 1 2 दिस इज ये 1 CH bond अनदर सी एच बॉन्ड. ये सी एच बॉन्ड में नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्शन हो जाता है. नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाता है इंसर्शन. और इंसर्शन होने के बाद आगे जिसमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट एंड आफ्टर अगेन इंसर्शन तो अपने को एसिडिक प्रोडक्ट बनेगा. तो ये आप सर एजेंट ले सकते हैं. उसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड 80% पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह पे हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक HNO3 ये भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इस तरह से डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में हम रिएक्ट करेंगे. तो इसमें अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड होगा और एल्डिहाइड के बाद इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है. देखते इसमें एग्जांपल इनमें से कोई भी एक मीडियम ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से. हम अल्केलाइन KMnO4 तो अल्केलाइन KMnO4 फर्स्ट इसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं H और AH 2 यहाँ पे दिया है. इनमें से पहला एक नेसेंट ऑक्सीजन इसमें इंसर्शन हो जाएगा तो इनसे एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन CH and this is OH और यहाँ पे भी क्या हो गया OH. ये अनस्टेबल इट इज अनस्टेबल कंपाउंड. इनमें से OH या इसमें से H इनमें से OH इस तरह से एलिमिनेट होगा माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स. देखिए इनमें से कैसा है एक ही कार्बन पे दो जिसको जेमिनल अल्कोहल्स इज अनस्टेबल है. जेमिनल एक ही कार्बन में दो OH ग्रुप है जिनमें से एलिमिनेशन होने वाला है वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे मिलेगा. अगर ये जा रहा है यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे R C डबल बॉन्ड O एंड H इसमें से ये डबल बॉन्ड C और ये H ये क्या बन गया aldehydes. एंड दिस aldehyde अगेन रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केलाइन KMnO4. ये अनदर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे एंड नेसेंट ऑक्सीजन इस CH बॉन्ड में इंसर्शन होगा तो R डबल बॉन्ड एंड O H ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. अगर हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड H एंड दिस इज OH प्राइमरी अल्कोहल्स ट्रीटेड विद फर्स्ट अल्केलाइन KMnO4 अल्केलाइन KMnO4 के बाद पहले अनस्टेबल अपने को एक कंपाउंड मिलने वाला है
कंपाउंड यहाँ पे वन ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्शन हो गया यहाँ पे, तो अपने को क्या लिखेंगे सी एच थ्री सी एच, दिस इज ओ एच और यहाँ पे ओ एच, इसमें से ऑटो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने वाला है माइनस एच टू ओ, इनमें से एच और इनमें से ओ एच, ये दोनों एच और ओ एच एलिमिनेट होने वाला है। इट इज अनस्टेबल कंपाउंड एलिमेंट होके एल्डिहाइड्स एसिटिक एल्डिहाइड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, इस तरह से अपने को मिलेगा एसिटिक एल्डिहाइड एंड दिस एसिटिक एल्डिहाइड अगेन ट्रीटेड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 एंड नेसेंट ऑक्सीजन एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्शन सी एच बॉन्ड एंड प्रोड्यूस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। दिस इज फर्स्ट मेथड यूज फॉर सेम, इसमें हम एरोमेटिक ऑल्कोहल प्राइमरी ऑल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं एरोमेटिक्स में, जैसे बेंजोइल, बेंजोइल ऑल्कोहल्स इसमें एक एरोमेटिक्स रिंग्स है, जैसे इस तरह से हम ले सकते हैं CH2OH, ये ग्रुप है लेकिन एक्चुअली ये बेंजोइल ऑल्कोहल, अगर मिथेन यहाँ पे CH2 है तो मिथेन डेरिवेटिव्स है वन, यहाँ पे वन फिनिल और ये मिथेन के, इसलिए इसको क्या लिखेंगे मिथानॉल। एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स है और बेंजोइल ऑल्कोहल्स, सेम प्रोसीजर रहेगा इसमें एल्केलाइन KMnO4, इसके प्रेजेंट में हम यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसमें इस तरह से इंसर्शन होगा, तो पहला अपनी को इस तरह से मिल लेंगे हमको एक अनस्टेबल कंपाउंड सी, इस तरह से नीचे H, दिस इज OH और यहाँ पे भी OH, ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड्स यहाँ पे दो OH ग्रुप है जेमिनल ऑल्कोहल्स, तो इनमें से माइनस हो जाएगा आउटर मॉलिक्यूल्स ये यहाँ से इस पोजीशन पे, तो यहाँ के डबल बॉन्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा पहला बेंजोल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, इट इज ए बेंजोल्डिहाइड, और फिर बेंजोल्डिहाइड को अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्किलाइन KMnO4, KMnO4 ये भी अनदर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे सी एच बॉन्ड में इंसर्शन होने वाला है और अपने को ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, इज एसिडिक मॉलिक्यूल्स इज बेंजोइक एसिड्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ऑल्कोहल को प्राइमरी ऑल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड प्रोड्यूस एज ए बेंजोइक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जैसे अल्कोहल से किए इसमें से एक इंटरमीडिएट हमको क्या मिल रहा है एल्डिहाइड मिल रहा है और कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करेंगे माइल्ड रिएजेंट्स से टॉलरेंट रिएजेंट्स, तो वो अपने को क्या मिलेगा एसिड्स। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दिस इज आर सी डबल बॉन्ड एच, इट इज एल्डिहाइड्स, इसमें अगर हम लोग टॉलरेंट रिएजेंट्स तो सिल्वर NH3 यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स दिस आर पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इस तरह से इसमें, और इन द बेसिक कंडीशन थ्री मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनी बेस, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस इसके साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो अपने को ये एसिडिक कंपाउंड मिलेगा, इसके रेस्पेक्टिव सॉल्ट ऐसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस अपने को इस तरह से RC डबल बॉन्ड ओ एन एच डायरेक्ट एसिड मिलता है, इसमें सिल्वर प्रिसिपिटेट हो जाएगा, इसमें ऑटो मॉलिक्यूल्स इसमें एन नंबर इस तरह से रहेगा, तो अपने को ये क्या हो रहा है एल्डिहाइड से अपने को डायरेक्ट क्या मिल रहा है एसिड, एक्चुअली ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H3 पॉजिटिव। इस तरह से एल्डिहाइड्स को हम माइल्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एसिड मिलेगा। कीटोन इसमें अगर रिएक्ट कर रहे तो कीटोन ब्रेक हो जाएगा सी एच बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, इसको कोई भी रिएजेंट के प्रेजेंट में हम रिएक्ट करेंगे तो कीटोन एक ऐसे ब्रेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस और अपने को मिलेगा इस तरह से फर्स्ट CH3C डबल बॉन्ड दिस इज OH, एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ द एजेंट यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी ये फॉर्मलडिहाइड्स बनेंगे। एक है इसमें से एच डबल बॉन्ड, पहले फॉर्मलडिहाइड्स और फॉर्मलडिहाइड अगेन कन्वर्टेड विद एसिड, दिस इज एच डबल बॉन्ड एंड ओ एच। लेकिन ये फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए बाद में फिर से हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गई है, क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो मेनली हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एसिडिक एसिड्स, इस तरह से अपने को एसिटाइल। कीटोन से भी हम क्या बना सकते, क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स और अमाइड्स, साइनाइड और अमाइड्स, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल और एरिन तो नाइट ट्राइल्स, और इसको साइनाइड बोलते हैं, एंड अमाइड्स। जनरल रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड्स, जनरल दिस इज आर सी एच टू सी एल। तो ये साइनाइड ग्रुप है, इसमें से बॉन्ड इस तरह से रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड सी एंड एन के बीच में। इसको अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस, बोथ एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तो एसिडिक एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव ग्रुप में, इस तरह से ओ एच नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव। इसमें से कार्बन, टू कार्बन, एक कार्बन इज है और यहाँ पे दूसरा साइनाइड कार्बन, इसमें ये कार्बन डेफिशिएंट्स है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स, इसमें फाइव बॉन्ड है तो डेफिशिएंट्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियली नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये ओ एच नेगेटिव यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट मिलेगा, दिस इज आर सी एच टू और यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, क्योंकि यहाँ पे जब ओ एच नेगेटिव अटैक कर रहा था एक बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस आ रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस में वन प्रोटॉन शिफ्ट हो गया। ये भी एक इंटरमीडिएट है, स्टेबल नहीं है, इसमें से डायटोमेराइजेशन क्या होता है, डायटोमेराइजेशन, डायटोमेराइजेशन में ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें से जो पाई बॉन्ड है इस पोजीशन पे शिफ्ट होने वाला है, इसमें से कंपाउंड कैसे मिलेंगे, फिर नेक्स्ट दिस इज आर सी एच टू, हाइड्रोजन यहाँ पे एन एच पे जा रहा है, पाई बॉन्ड प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इस तरह से तो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो अपने को इस तरह से कंपाउंड मिलता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्टिंग इस तरह से, ये इस तरह से पाई बॉन्ड शिफ्टिंग। तो टोटल पाई बॉन्ड शिफ्टिंग से हमको क्या मिला है, यहाँ पे अमाइड, इट इज इंटरमीडिएट अमाइड्स एंड अमाइड अगेन हाइड्रोलिसिस, अमाइड को हम फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टल वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे, ये फिर से इस पे अटैक करेंगे इस पोजिशन पे, और इसमें कंप्लीट आयनाइज और होने के बाद हमको डायरेक्ट इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है, कि इस तो पहले शिफ्ट हो जाएगा सी, दिस ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे क्या आया OH और यहाँ पे NH2, इसमें रिमेनिंग रहेगा यहाँ प्रोटॉन, प्रोटॉन और रिमेनिंग है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म हुआ है, इनमें से OH इस पोजिशन पे प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन इस पोजिशन पे, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा NH2 इज अ लिविंग ग्रुप है, NH2 क्या है, लिविंग ग्रुप। तो अपने को देखिए नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, R R CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 से निकल गया, रह गया OH इज एसिडिक ग्रुप, और ये NH2 नेगेटिव फॉर्म में क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, लोन पेयर के साथ यहाँ से लिविंग हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ से प्रोटॉन के साथ ऐड हो जाएंगे, अपने को मिलेंगे NH3, मतलब अमोनिया एंड एसिड। तो
तुम क्या देख रहे कि अगर साइनाइड्स एल्किल नाइट्राइल और साइनाइड को रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट इस तरह से बनेंगे डबल बॉन्ड्स, और इसके टैटोमेराइजेशन होने के बाद हमको क्या मिल रहा है अमाइड्स, एंड अमाइड अगेन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम्स तो फॉर्म इंटरमीडिएट्स, एंड इस इंटरमीडिएट्स को रीअरेंज किया जाए तो अपने को यहाँ पे एसिड और क्या मिल रहा है अमोनिया। सेम इसमें हम लोग बेंजोइल साइनाइड भी यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड एंड ये कौन सा है बेंजीन और इसके साथ साइनाइड, तो यहाँ पे बेंजोइल साइनाइड फर्स्ट ऑफ रिएक्ट विद एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे आयनाइज एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो सबसे पहले इस तरह से ये बेंजीन रिंग सी यहाँ पे आ रहा है ओ एच, ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव में वन ऑफ द प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके इट इज इंटरमीडिएट्स, ये स्टेबल नहीं है, इसमें से टैटोमेराइजेशन जैसे पाई बॉन्ड्स इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसको टैटोमेराइजेशन बोलेंगे। एंड टैटोमेराइजेशन पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एन एच टू, इट इज एरोमेटिक अमाइड्स है, एंड दिस अमाइड अगेन रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक मीडियम्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें से सेम ओएच नेगेटिव आयंस प्लस एच पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पे अटैक करेंगे ये ऑक्सीजन ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स इस तरह से मिलेंगे सी इस ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे ओ एच एंड एन एच टू, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव से पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है और ये बॉन्ड यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है शिफ्ट होने के बाद बेंजीन रिंग और सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच और ये लिविंग ग्रुप है एन एच टू, तो एन एच टू नेगेटिव, इस नेगेटिव में जो रिमेनिंग प्रोटन है वो प्रोटन को इस पर ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एन एच और ये अमोनिया, मतलब यहाँ पे कैसा है एन एच थ्री, इसमें हमने कौन सा मिल रहा है बेंजोइक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक प्रिपरेशंस फ्रॉम साइनाइड्स एल्किल साइनाइड और बेंजोइक साइनाइड इज ए टू हाइड्रोलिसिस टू स्टेप हाइड्रोलिसिस एंड प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड्स, इससे पहला होता है अमाइड्स और अमाइड के बाद इसमें, तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि और एक अमाइड, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अमाइड को भी हाइड्रोलिसिस करके, तो अमाइड डायरेक्ट वन स्टेप प्रोडक्ट है, अगर हम अमाइड लेते हैं डायरेक्ट सेकेंड एग्जाम्पल अमाइड सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड एन एच टू, इट इज अमाइड इथिल अमाइड, तो इसको हाइड्रोलिसिस इज वन स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, दोनों में से कोई भी एक मीडियम ले सकते हैं एसिडिक और बेसिक, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव इस पे अटैक करेंगे कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे पहले CH3CH2C इसे ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे NH2 और इस पोजीशन पे OH। ओके और उसके बाद सेम नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है स्टेबल नहीं रहता है रेजोनेंस फिर से रिटर्न आ रहा है ऑक्सीजन के, और यहाँ पे रिटर्न आने के बाद NH2 कैसा है लिविंग ग्रुप है इस तरह से लिविंग हो जाएंगे और ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे पहले CH3CH2C डबल बॉन्ड O एंड OH ये वाला, और इसके साथ NH2 जो नेगेटिव वन अपने प्रोटॉन के साथ ऐड हो जाएगा दिस इज प्रोटॉन, तो ये क्या मिल रहा है अपने को अमोनिया NH3। तो अमाइड को भी एसिड हाइड्रोलिसिस वन स्टेप हाइड्रोलिसिस और साइनाइड कैसा रहेगा टू स्टेप हाइड्रोलिसिस, टू स्टेप में पहला अमाइड्स नेक्स्ट एसिड और अमाइड में डायरेक्ट इसमें से एसिड ऑब्टेन हो रहा है।
इसमें प्रिपरेशंस डायरेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम ऑलकोहल्स, साइनाइड को स्टेबल नहीं है इसलिए उसको हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इजी मेथड है, उसका रूट बताते हैं। इसे प्रिपरेशन रूट एग्जाम नीट एंड JEE में पूछा जाता है। जैसे पहले हम ऑल्कोहल ले रहे हैं CH2OH, इसको रिएक्ट करेंगे अल्कोहल को PBr3। अगर PBr के 3 के तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसके प्रेजेंट में आर को क्या मिलेगा RCH2 और यहाँ पे क्या मिलेगा Br, और इसे बाय प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे आपको। नेक्स्ट ये फर्स्ट रोड है, समझ लो कंपाउंड ए है एंड दिस कंपाउंड ए को ट्रेड करना पड़ेंगे कॉपर साइनाइड। अगर हम कॉपर साइनाइड के प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहे तो अल्कोली तो कॉपर साइनाइड ले सकते और इसमें अल्कोलिक पोटेशियम साइनाइड भी ले सकते, जैसे कॉपर साइनाइड और अल्कोलिक पोटेशियम साइनाइड, इसमें साइनाइड और Br को सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे KBr, साइनाइड यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, तो RCH2CN ये बन गया हमारा अल्किल साइनाइड्स। एंड अल्किल साइनाइड अगेन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो अपने को पहला हमको क्या मिलेंगे जैसे RCH2 अमाइड बन जाता है, डबल बॉन्ड NH2 इट इज अमाइड्स, एंड दिस अमाइड अगेन रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस एंड मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस मॉलिक्यूल्स, तो ये बनेगा एसिड और अमाइड CH2 C डबल बॉन्ड एंड OH प्लस NH3। इस तरह से रूट है, दिस इज ए और ये आपका बी रहेंगे, ये होगा सी और ये डी। इस तरह से 3 स्टेप प्रिपरेशन, पहले हमने अल्कोहल को PBr3 के साथ रिएक्ट किया तो अपनों को यहाँ पे हेलो एल्केन्स बने, हेलो एल्केन को रिएक्ट विद कॉपर साइनाइड और अल्कलाइन पोटेशियम साइनाइड, तो फॉर्मेशन अल्किल साइनाइड्स, एंड दस अल्किल साइनाइड रिएक्टेड और हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म अमाइड्स, एंड दिस अमाइड अगेन हाइड्रोलिसिस इज एसिडिक और बेसिक मीडियम टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके एंड लास्ट रिएक्शंस फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स, यू नो बेटर द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स, दिस इज एल्किल ग्रुप CH3 एंड MgBr, यहाँ पे हैलाइड्स ले सकते हैं और यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप, ऐसे यहाँ पे अगर कोई भी एल्किल मतलब मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डायथिल ईथर, यहाँ पे ETO शॉर्ट में लिखा जाता है ATO डायथिल ईथर इनके मीडियम में, और इसके मीडियम में हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये ड्राई आइस, इसको दूसरा नाम क्या है ड्राई आइस, इज ए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड एज ए ड्राई आइस, तो ड्राई आइस को ग्रिग्नर्ड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें पार्शियली CH3 नेगेटिव है, Br भी पार्शियली नेगेटिव है, और ये क्या रहेगा पार्शियली 2 पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं क्योंकि उसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके इलेक्ट्रॉन का संख्या 282 इस तरह से 12 नंबर, तो ये 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स है ये डेफिशिएंट कार्बन, कोई भी डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेंगे, तो पहले इस तरह से डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेंगे तो इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव होगा, 1 ऑफ द 5 बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और दूसरा इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है CH3 से अटैक कर रहे हैं, तो CH3 ये नेगेटिव, तो इसमें MgBr जो वन नेगेटिव रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा MgBr। ओके इट इज द एडिशन एडेड प्रोडक्ट, डायरेक्ट उसको हम एडिशन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो पहले ड्राई आइस को हम ग्रिग्नर्ड के को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डायथेन ईथर और हमको क्या मिलेंगे एडिशन प्रोडक्ट, दिस एडिशन प्रोडक्ट अगेन हाइड्रोलिसिस
एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में सिर्फ दिस इज OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दिस पोजीशन यहां से ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव, तो यहां पे मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड। ये OH नेगेटिव है इसलिए यहां पे OH, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन नेगेटिव होने की वजह से ब्रेक, और इसमें बाय प्रोडक्ट MgBr और इनमें से अनदर OH ग्रुप, इनमें से इस इंटरमीडिएट में यहां से ब्रेक हो जाएगा मेटल हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो MgBr ये बनेंगे पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस में नेगेटिव, दिस इज OH नेगेटिव, और यहाँ से वन ऑफ द प्रोटन यहाँ पे भी अपने को क्या मिल रहा है एसिड। जैसे कोई भी ग्रिग्नेट रिएजेंट्स हम अगर रिएक्ट कर रहे हैं ड्राई आइस के साथ, हमको रेस्पेक्टिव एसिड मिलेंगे मोर देन वन कार्बन एटम, क्योंकि ड्राई आइस में से वन कार्बन एटम ऑब्टेन होंगे। ओके okay.